फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया फैशन आर्ट स्टूडियो। सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 थैंक्स कि आपने मेरे लिए इतना कंसर्न दिखाया। रियली थैंक यू सो मच। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे डायगनली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पे अभी जो मैं डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, एक्चुअली वो ट्री से इंस्पायर्ड है। तो क्योंकि हमें स्पेस कम मिलते हैं, अगर आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं पेपर पे, तो वहाँ पे मैंने उस तरीके से कुछ अलग डिफरेंट सा कुछ क्रिएट किया जो कि उससे सिमिलर दिखे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अभी यहाँ पे मैंने जो स्पीड रखा है वो नॉर्मल स्पीड रखा है कि ताकि आपको क्लियर हो सके कि मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे गाइडलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा कि पहले आपने देखा था, मैंने ब्लाउज में भी डायगोनली लाइन ड्रॉ किए थे, मैं यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करूँगी। जैसा कि आपने पहले देखा था, मैंने ब्लाउज़ में जो पैटर्न क्रिएट किए थे, सेम वही पैटर्न मैं यहाँ पे भी क्रिएट करूँगी। Thank you.
अभी जो हमने कलर मिक्स किए थे उस कलर से हम यहाँ पे डॉट्स देंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मैंने जो फिल किया है एरिया वो कुछ फ्लावर के पैटर्न्स एंड कुछ लीव्स को ड्रॉ करके फिल किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट्स क्रिएट किए हैं। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो इस एरिया को मैंने फिल किया है यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, जिस वजह से जो पैटर्न है वो बहुत अच्छी तरह से विजिबल नहीं है। इसीलिए आप मेरे साथ आगे बने रहें। मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको शो किया है कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में कौन से पैटर्न को ड्रॉ कर रही हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैंने जो वाइट कलर और येलो कलर को मिक्स करके जो कलर क्रिएट किए थे उस कलर से मैं यहाँ पे डॉट्स क्रिएट कर रही हूँ टू लाइंस में। तो गाइस, यहाँ पे जो मैंने डॉट्स क्रिएट किए हैं ये मैंने वाइट कलर से किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो दो डॉट्स हैं वहाँ पे जो खाली स्पेस है वहाँ पे मैं येलो कलर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं येलो कलर से डॉट्स दे रही हूँ, ये डॉट्स बहुत ही छोटे होंगे।
अभी मैंने यहाँ पे कोई बर्ड्स ड्रॉ किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे लीव्स एंड फ्लावर के पैटर्न्स बनाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस कि पहले मैंने फ्लावर को ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने पीकॉक सा पैटर्न कुछ ड्रॉ किया है, और ये चीज़ मैं पूरे एरिया में ड्रॉ करूँगी और उसके बाद फिल करूँगी कुछ लीफ से फ्लावर से।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दुपट्टे के लिए मैंने 3 कलर लिए हैं, वाइट, रेड एंड ऑरेंज को मिक्स करके यूज़ किया है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वाटर की जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा रखना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर लिया है और ये ब्राउन कलर आपको जो वाइट एरिया जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किए हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे आपको ब्राउन कलर यूज़ करने हैं, जिससे कि ये गोल्डन इफ़ेक्ट शो करें। अभी मैं यहाँ पे सेम ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ फोल्ड्स के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ और अभी मैं यहाँ पे ब्राउन एंड वाइट को यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी सजेशंस एंड क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून विद द न्यू ट्यूटोरियल।